अरे बहू, ऐसे लपकते हुए कहाँ जा रही हो तुम? और बाहर गली में किसे आवाज लगा रही थी तुम? गोर्खी जी ने निधि को टोकते हुए कहा तो निधि के कदम रुक गए। वह कहने लगी, वो मम्मी जी गली में सब्जी वाला आया है, घर में थोड़ी सब्जियाँ खत्म हो गई थी तो मैंने सोचा थोड़ी सब्जी ले लेती हूँ। गोर्खी जी गुस्से में कहने लगी, अरे यह सब तुम्हें देखने की जरूरत नहीं है, बाजार मैं जाती हूँ, मेरा बेटा जाता है, इस घर में क्या आएगा क्या नहीं वह हम देख लेंगे, तुम बस हमें बता दिया करो कि क्या खत्म हुआ है। चलो हटो, तुम जाकर रसोई में बाकी का काम करो, मैं सब्जी खरीद कर ले आती हूँ। हमारे घर की बहू ऐसे बाहर निकल कर राह चलते लोगों से सब्जियां नहीं खरीदने बैठती। सास की बात सुनकर निधि चुपचाप उल्टे पैर वापस लौट गई। हालांकि उसे थोड़ा बुरा लगा था, लेकिन फिर भी उसने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, बाहर के काम अगर सास और पति निपटा रहे हैं तो मैं घर का काम संभाल लूंगी। अभी उसकी नई नई शादी हुई थी तो उसे ससुराल में एडजस्ट होने में थोड़ा समय लग रहा था। उसकी सास भी धीरे धीरे उस पर अपने नियम लादे जा रही थी और निधि भी शुरुआत में लिहाज के कारण कुछ बोल नहीं पा रही थी। लेकिन सास को पता नहीं था कि जब निधि के सब्र का बांध टूटेगा तो क्या होगा। निधि को बस घर में ही कैद जैसे करके रखा गया था। ना तो उसका पति माँ के सामने यह हिम्मत कर पाता था कि उसे बाहर घुमाने के लिए ले जाए और ना ही निधि बाजार से कुछ सामान खरीदने के लिए जाती थी। फिर भी निधि को बुरा नहीं लगता था क्योंकि वैसे भी उसे ज्यादा घूमने का शौक नहीं था। वह घर के काम निपटा कर आराम से लेट कर अपने मोबाइल में मूवी देखना ज्यादा पसंद करती थी। उसका पति भी मूवी देखने का शौकीन था तो दोनों फुर्सत के समय में एक साथ मूवी देख लिया करते थे। निधि को पति के साथ मूवी देखने में बड़ा मजा आता था। दोनों अपने कान में ईयरफोन लगा लेते थे और आराम से कुछ खाते पीते हुए मूवी देखते रहते थे। देवकी जी इस बात के लिए कुछ बोल नहीं पाती थी क्योंकि बेटे के सामने वह कुछ बोलकर बुरी सास नहीं बनना चाहती थी, लेकिन मन ही मन इस बात से वो बहुत चिढ़ती थी और जब उनका बेटा घर पर नहीं होता था तो कुछ न कुछ बोलकर परेशान करती रहती थी। एक दिन निधि को खाना खाने में थोड़ी देर हो गई थी क्योंकि वह बाथरूम में ढेर सारे कपड़े धो रही थी तो उसकी सास ने खाना निकालकर खा लिया। उसकी सास ने जानबूझकर सब्जी थोड़ी ज्यादा मात्रा में खा ली। जब निधि खाना खाने के लिए आई तो सब्जी खत्म हो चुकी थी। निधि सोच में पड़ गई कि अब क्या करूं? तभी उसकी सास आई और कहने लगी, देखो बहू, सब्जी आज तुमने बहुत कम बनाई थी, तुम एक काम करो, तुम चटनी बना लो और चटनी रोटी खा लो। जब सब्जी कम पड़ जाए तो टमाटर की चटनी बना लिया करो, मैं भी ऐसा ही करती थी, टमाटर की चटनी के साथ रोटी खाने में बड़ा अच्छा लगता है। निधि को थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन वह सोचने लगी कि सच में मैं अपने लिए अलग से क्या सब्जी बनाऊं। तो उसने जल्दी से फ्रिज से टमाटर निकाल कर लहसुन धनिया मिर्ची डालकर अपने लिए टमाटर की चटनी बना ली और चटनी रोटी खाकर अपने कमरे में चली गई। तब से जब भी सब्जी कम पड़ जाती थी या उसकी सास जानबूझकर ज्यादा सब्जी खा जाती थी तो निधि अपने लिए चटनी बना लेती थी। अब निधि भी ज्यादा घर से बाहर निकलती नहीं थी तो उसे पता नहीं था कि आजकल टमाटर ज्यादा महंगे हो गए हैं। इसलिए एक दिन जब फिर से उसे सब्जी कम पड़ गई तो फिर से टमाटर निकालने लगी। तभी उसकी सास रसोई में आई और कहने लगी, अरे बहू, सब्जी तो दूर की बात है, अब तुम्हें चटनी भी नसीब नहीं होने वाली, ये टमाटर वापस फ्रिज में रखो, तुम्हें कुछ पता भी है आजकल टमाटर कितने महंगे हो गए हैं? बहू, अब से नमक तेल और रोटी खा लिया करो। निधि सास की यह बात सुनकर दंग रह गई। वो कहने लगी, मम्मी जी, पहले तो मैं आपसे लिहाज के कारण कुछ बोल नहीं पाई, लेकिन एक तो आपने मुझे सब्जी खाने से रोक दिया तो चलो मैंने कुछ नहीं कहा, जब मुझे सब्जी कम पड़ जाती है तो मैं दूसरी सब्जी नहीं बनाती क्योंकि मुझे भी थोड़ा आलस जैसा आता है तो मैं चटनी बना लेती थी, अब मुझे सच में नहीं पता कि टमाटर महंगे हो गए हैं क्योंकि मुझे घर से बाहर निकलने ही नहीं दिया जाता है, ऐसे तो मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मैं इस घर में कैद करके रख दी गई हूँ और घर के सारे कामों की जिम्मेदारी बस मेरी ही रह गई है। अगर मैं इतने सारे काम करती हूँ तो फिर मेरे खाने पीने पर रोक टोक क्यों है? मैं कोई फालतू नहीं बैठी हुई हूँ कि मुझे खाना ना दिया जाए। अरे, इतनी मेहनत में बाहर निकल कर करती तो मनचाहा खा भी पाती और कुछ रुपए भी बचा लेती, आप लोग कम से कम मुझे ढंग से खाने के लिए तो दीजिए। कहते कहते उसकी आंखों में आंसू आने लगे। देवकी जी उसे घूरते हुए बोली, बहू, लगता है भूख के मारे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है जो तुम ऐसी अनाप शनाप बातें कर रही हो। अरे, तुम इस घर की बहू हो, बहू को तो कुछ भी खाकर पेट भर लेना चाहिए और चुपचाप सिर झुकाकर घर के काम करने चाहिए, तुम इस तरह बगावत करोगी तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। निधि ने अपने आंसू पोंछते हुए मजबूत शब्दों में कहा, मुझे पहले ही आपकी गलत बात का विरोध कर देना चाहिए था, आज से मैं चटनी रोटी तो क्या सब्जी रोटी खाऊंगी, यह लीजिए आपके टमाटर मैंने वापस रख दिए, अब मैं भिंडी निकाल रही हूँ और मैं अपने लिए थोड़े से भिंडी फ्राई करके भिंडी रोटी खाऊंगी और देखती हूँ कि मुझे कौन रोकता है, अगर आप लोगों ने मुझे घर में खाना खाने से रोका तो मैं अब खाना भी नहीं बनाऊंगी। अरे, जब खाना बनाने वाले को ही भरपेट भोजन आप लोग नहीं दे सकते तो उससे यह उम्मीद कैसे करते हैं कि वह आप लोगों को पका पका कर खिलाए। इतना कहकर उसने भिंडी निकाल कर काटना शुरू किया।
जैसे जैसे भिंडी के छोटे छोटे टुकड़े हो रहे थे, वैसे वैसे उसकी सास की कड़वी बातें और भी कड़वी होती जा रही थी और उनकी आवाज भी ऊंची होती जा रही थी। लेकिन निधि ने कान में ईयरफोन डाल दिया और गाने का वॉल्यूम बढ़ाकर गाना सुनते हुए वह सब्जी काटने लगी। यह देखकर उसकी सास उसके पास आई और उस पर हाथ उठाने की कोशिश करने लगी, तो निधि ने लपक कर उनका हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, बस यह गलती कभी मत करना सासू माँ, वरना पुलिस को फोन लगाने में मुझे एक मिनट का भी समय नहीं लगेगा। और अगर आपको भी जेल की हवा खानी हो तो आप अपने शौक पूरे कर लीजिए। इतना कहकर उसने अपनी सास का हाथ छोड़ दिया तो देवकी जी गुस्से से फुफकारते हुए रसोई से बाहर चली गई। अब जब मर्यादा की सारी हदें पार होने लगी थी तब जाकर निधि ने अपने लिए भी आवाज उठा लेना उचित समझा था। ऐसा करने से भले ही उसकी सास हमेशा उससे चिढ़ी हुई रहती थी, लेकिन निधि के मन को एक सुकून था कि वह किसी के साथ गलत नहीं कर रही है बल्कि खुद के साथ गलत होने से रोक रही है। उस दिन के बाद से जब भी खाना कम पड़ जाता था तो निधि अपने लिए खाना बना लिया करती थी। जब वही सबके लिए पूरी रसोई संभालती थी तो क्या खुद के लिए थोड़ा सा खाना नहीं बना सकती थी? तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, निधि ने अपने लिए आवाज उठाकर सही किया था या उसे सास के लिहाज में चुप रह जाना चाहिए था? आप अपने विचार कमेंट करके जरूर बताएं और मेरी लिखी हुई एक कहानी और सुन लीजिए। दूसरी कहानी का नाम है हरे कांच की चूड़िया। लाजो की जेठानी आंगन में बैठकर अपने लिए चूड़िया पसंद कर रही थी। लाजो की नजर केवल हरे रंग की चूड़ियों पर ही जाकर अटक गई थी। वह उन चूड़ियों को सहलाकर देखने लगी, तभी उसकी जेठानी उसे फटकारते हुए बोली, अरे यहाँ तुम क्या कर रही हो, जाओ जाकर अपना काम करो, तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम चूड़ियाँ खरीद सको, पता है ना तुम्हारा पति निकम्मा है। अरे तुम लोगों का खर्चा तो मेरे पति उठा रहे हैं, तुम इन चूड़ियों के ख्वाब देखना तो छोड़ ही दो, अगर तुम्हारे छूने से ये चूड़ियाँ टूट गई तो हर्जाना मुझे ही देना पड़ेगा, इसलिए चुपचाप यहाँ से चली जाओ। लाजो की आंखें आंसुओं से डबडबा उठी और जेठानी से अपमानित होकर अपने कमरे में चली गई। उसका पति रघु थोड़ी देर पहले ही दरवाजे पर आकर बैठा था। आंगन में चल रही बातचीत को उसने भी सुन लिया था। उसे भी बड़ा बुरा लगा कि उसकी भाभी ने उसकी पत्नी का कितना अपमान कर दिया। रघु थोड़ा गैर जिम्मेदार किस्म का इंसान था। वो कहीं भी एक जगह टिक कर काम नहीं करता था। घर का खर्चा उसके भैया उठाते थे तो वह सोचता था कि खाने पीने को मिल ही रहा है तो काम करने की जरूरत क्या है। कपड़े वगैरह तीज त्योहार में उसे एक जोड़ी मिल ही जाते थे। जब उसकी शादी तय हुई थी तब वह एक दुकान में हेल्पर का काम कर रहा था, लेकिन फिर शादी के बाद उसका मन नहीं लगा तो उसने काम छोड़ दिया। कभी कभी अपनी जरूरतों के लिए वो भैया के सामने हाथ पसार देता था तो उसकी जरूरतें पूरी हो जाती थी। लेकिन आज जिस तरह उसकी पत्नी को अपमानित होना पड़ा था, उसे यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। वह घर के भीतर आया और उसने ऐसा दिखाया जैसे उसने कुछ नहीं सुना है। उसकी भाभी उसे कुछ नहीं बोली। रघु अपने कमरे में गया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी औंधे मुंह बिस्तर पर गिरी हुई थी और सिसक सिसक कर रो रही थी। रघु कुछ पल ठिठक कर उसे देखता रहा और फिर उल्टे पैर वापस लौट गया। शाम ढलने लगी थी लेकिन रघु अभी तक घर नहीं आया था। लाजो को उसकी बहुत चिंता हो रही थी। अब तो खाना बनकर भी तैयार हो चुका था लेकिन रघु अभी तक घर नहीं आया था। वैसे तो वह खाना बनने के समय घर आ जाता था और खाना लगाने के लिए कहने लगता था क्योंकि उसे भूख बड़ी जल्दी लगती थी, लेकिन आज वह घर क्यों नहीं आया था, यह सोच सोच कर लाजो बड़ी परेशान हो रही थी। घर में सबने खाना खा लिया था और अपने कमरे में सभी लोग आराम करने के लिए चले गए थे। लाजो को बहुत डर लग रहा था। वह सोच रही थी कि अब जाकर अपने जेठ जी से कहे कि वह रघु को ढूंढने के लिए जाए, लेकिन तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। लाजो ने दौड़ कर दरवाजा खोला तो सामने रघु खड़ा था। उसे देखते ही वह बिना कुछ सोचे समझे उससे लिपट गई और रोते हुए कहने लगी, आप कहाँ चले गए थे, पता है मैं कितना डर गई थी, आप ठीक तो है ना? रघु धीरे से मुस्कुरा उठा। पत्नी की आंखों में अपने लिए इतनी परवाह देखकर वो बहुत खुश हो गया। उसने अपनी पत्नी के आंसू पोंछते हुए उसका हाथ पकड़कर कहा, चलो कमरे में चलते हैं, फिर मैं तुम्हें सब बताता हूँ। जब वो रघु के साथ कमरे में पहुंची तो रघु ने उसकी कलाई में हरी हरी चूड़ियां पहनानी शुरू कर दी, जिसे देखकर वह अवाक रह गई। रघु ने भरे गले से कहा, लाजो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं काम नहीं करता हूँ तो तुम्हें आज भाभी ने कितना कुछ सुना दिया, इन कांच की चूड़ियों के लिए तुमने कितने आंसू बहाए हैं, बस तभी मैंने तय कर लिया कि आज के बाद से मैं भी मेहनत करूंगा और अपनी पत्नी के साथ सिर उठाकर जीऊंगा। देख मैं अपनी मेहनत की कमाई से तेरे लिए हरे कांच की चूड़ियां लेकर आया हूँ, अब तो तू खुश है ना? लाजो झट से अपने पति के सीने से लग गई। रघु उससे प्यार तो बहुत करता था लेकिन लाख समझाने के बावजूद वह कोई काम काज नहीं करता था। मगर आज जब उसकी पत्नी के आत्मसम्मान पर प्रहार हुआ था तो खुद ही उसका स्वाभिमान जाग उठा था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको दोनों कहानियाँ, कमेंट करके जरूर बताइएगा और मेरी लिखी हुई और नई कहानियों के लिए लाइफ टेल्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।